जो जो हम बना होते वो लिखा था नहीं आ रहा है सोशल डिस्टेंस घटना 10 जून 2021 की है, जब सुबह के समय हाजीपुर टाउन थाना अंतर्गत जड़वा में HDFC बैंक में 1 करोड़ डकैती उस घटना का उद्भेदन किया गया है। घटना के उद्भेदन के साथ साथ समीपवर्ती जिले समस्तीपुर की भी अन्य घटनाओं में इसी गैंग ने मुजफ्फरपुर के मनियारी में भी अटैम्प्ट किया था, जिस संबंध में संबंधित कांड दर्ज हैं सभी को जिले में एकसाथ हुआ है। गैंग ने अपनी संलिप्तता इन कांडों में स्वीकारी है। हमारे पास सबूत मिले हैं कि सेम गैंग सभी उन्हीं लोगों ने सारे क्राइम्स किए थे। जो जैसा बताया था कि जड़वा में लूट का केस दर्ज किया गया था, जब हम लोगों ने अपराध शैली का पता किया मानवीय आसूचना इन तकनीकी आसूचनाओं के बल पर हमने इस केस को ट्रैक किया। कुल मिलाकर के अभी 9 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से कि 2 ओम प्रकाश एवं अरमान, जो 5 लोग घटना में मुख्य रूप से शामिल हुए थे एकदम सामने हमारी घटना में वैशाली जिला अंतर्गत घटना में, उनकी भी अरेस्टिंग की गई है। इसके अतिरिक्त समस्तीपुर जिला अंतर्गत ताजपुर में जो बैंक लूट हुई थी, विक्रम बांधे में लूट हुई थी मुफस्सिल थाना में, उसमें इनके इन दोनों के अलावा एक अपराधकर्मी जो राजीव था उसकी भी अरेस्टिंग की गई है। और कुल मिलाकर के 93,19,500 रुपया बरामद हुआ है लूट में से, जिसमें से वैशाली जिला HDFC बैंक का 88,66,000 है। उन जो अन्य रुपया है वो समस्तीपुर जिला के 2 बैंक लूट का है। मुजफ्फरपुर में समय रहते सजगता के कारण घटना नहीं हो पाई थी, इसलिए उसमें लूट नहीं हुई थी। ये पूरा ऑपरेशन वैशाली जिला पुलिस, समस्तीपुर जिला पुलिस, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस एवं SDF के टीम्स ने साथ मिलकर किया है, एवं कोऑर्डिनेशन की वजह से हम लोगों को ये सफलताएँ मिली हैं। गिरफ्तार अपराधकर्मियों का पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास हमारे पास मौजूद है। जो लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं उनकी पूरी जानकारी है। अरेस्ट किए हुए में जैसे मैंने बताया मुख्य अभियुक्त हैं, एवं उसके साथ साथ उनको प्रायश्चित देने वाले, उनके साथ पैसा छिपाने वाले और जो जहाँ जहाँ से बरामदगी हुई है अन्य अलग अलग जिलों में जो उनको पैसों को छुपा रखे थे उन लोगों को पकड़ा गया है। घटना में हमने जो बैग प्रयुक्त किया गया था भागने में उसको पकड़ा है, मोटरसाइकिल को पकड़ा है, एवं जिन कपड़ों को पहन करके ये घटना कार्य की गई थी उनको भी जब्त किया गया है, जिसका अब हम वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे। कुछ लोगों की अरेस्टिंग बाकी है, जिनके लिए सारी विशेष टीम एकजुट होकर के कार्रवाई कर रही है, शीघ्र उन्हें भी पकड़ा जाएगा। तो लूटी की राशि में से 93 लाख रुपये की राशि बरामद हो चुकी है। धन्यवाद। इसका मास्टरमाइंड कौन था सर? ये ग्रुप थे, इसमें से कुछ लोग पहले जेल में साथ में थे, वहाँ से जब वो बाहर निकले अपना, जब उन्हें बेल मिली तो उन्होंने इसकी प्लानिंग की। कुल मिला के 6 लोग थे, हमारे वाली घटना में 5 लोग छिड़े थे, अन्य घटना में अन्य 5 लोग, कुल मिला के 6 लोग थे। उन 6 में से 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है, उनको प्रायश्चित देने वाले, उनका बाहर से सपोर्ट करने वाले लोगों को भी पकड़ा गया। इन लोगों ने ग्रुप बना रखा था, कुछ गैंग बनाया था, ये आपस में ही लोग करते थे, जैसे कि ये इनकी चौथी घटना थी। इसके अलावा ये महुआ थाना अंतर्गत एवं मुजफ्फरपुर जिला में दुबहा जगह अंतर्गत भी ये लोग रैकेट करने का प्लान किए थे, जो घटनाएं नहीं हुई। कैसे ये गैंग बनाने का कौन किसने इनिशिएटिव किया, कितने लोग थे उस गैंग? अरमान और ओम प्रकाश जो थे वो जेल में फंस गए थे, इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी जेल में रहे। इन लोग की आपस में हम ये मान के चल रहे हैं कि जेल में से ही इन लोगों ने साथ ये चीज़ सोची कि बाहर जाके क्राइम करेंगे, और इन्होंने क्राइम किया है। अपने साथ अन्य लोगों भी इन्होंने लिया है। सकरा के रहने वाले हैं, एक अपराधकर्मी बलिगांव का रहने वाला है, सहदुल्लापुर पड़ता है, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत वहाँ के रहने वाले हैं। तो संयुक्त कार्रवाई में सबकी अरेस्टिंग। कितने लोगों का इन लोगों ने गैंग बनाया था? लगभग 6 लोग थे हमारे। 6 में से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं जो गैंग के पार्ट थे। के लिए लगातार छापेमारी चल रही है, जो पैसे लोगों ने आपस में बांट लिया था वो भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया। इस गैंग ने कितने लूट किए हैं अभी तक, क्या कुछ बात आई है कि कितने लोग? ये 6 लोग आपस में साथ मिलकर के लूट किया करते थे। इन्होंने जैसा कि ब्रीफ में भी है, उन्होंने 1 जून को पंजाब नेशनल बैंक शाखा मनियारी सोन वर्षा में लूट का प्रयास किया, जो नहीं हुआ। उससे पूर्व 29 अप्रैल को इन लोगों ने घटना की विक्रमपुर बांदे ग्राम में, कैनरा बैंक में, समस्तीपुर मुफस्सिल में, एवं 15 तारीख को पिछले महीने की 15 तारीख को ताजपुर थाना अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोगों ने लूट की थी।
कुछ बताया सर कि किस तरीके से लोग रेकी किए थे यहाँ हाजीपुर मिले में? जी रेकी किए थे, हम लोगों ने उनके बाद में उन लोगों से पता किया है, सफन अनुसंधान का पार्ट है। और हमारी घटना जो हुई थी जड़वा में उससे पहले भी रेकी की थी। मानवीय एवं तकनीकी जानकारियों के आधार पर पता किया गया, कड़ी से कड़ी जुड़ाते हुए एवं समस्त टीम के प्रयास से हम लोगों ने इसको क्रैक किया। कहाँ के रहने वाले हैं सर जो गिरफ्तार है गैंग जो है? सब उसमें लिखा हुआ है, सहदुल्लापुर के रहने वाले हैं, एक बलीगांव के रहने वाला है, एक नवादा कला के रहने वाले हैं, केशुपुर का रहने वाला है, अरमान सकरा थाना अंतर्गत। सर एक चीज़ मुझे मैं कहना था कि ये जो बैंक का जो सिक्योरिटी था उसको लेकर भी आप लोगों ने अनुसंधान किया कि पांच लोग? ऑल दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम लोग की जांच चल रही है। अगर कोई बात इसमें सही, सभी तथ्यों को समय के साथ साथ हम लोग अपने अनुसंधान का पार्ट बना रहे हैं कि कहां क्या बात रहेगी। वैशाली जिले में इन लोगों ने कितनी लूट की, कितने जगह की है? वैशाली जिले में इनकी ये पहली बैंक लूट थी। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने बताया कि महुआ में इन लोगों ने एक जगह करने का प्लान बनाया था, जैसे सहमत समय रहते हम लोगों ने अरेस्टिंग कर ली, वो घटना टल गई। इस गैंग के बारे में सबसे पहले कब पता चला कि ये कोई गैंग ऐसा है जो बैंकों को टारगेट कर रहा है लगातार लूट कर? जब हमने अपनी घटना के बाद अनुसंधान स्टार्ट किया, बाकी जिले पूरी टीम अपने अपने तरफ से इनपुट्स ले रही थी, उसके बाद हम लोगों को पता चला कि जिसमें अरमान का नाम सीधे लोगों के सामने आया एवं अन्य सभी लोगों का नाम सामने आया, इनको प्राशय देने वाला है, उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान दिए, उनकी निशानदेही पे पैसा बरामद हुआ एवं टीम ने अरमान को पकड़ा, टीम ने ओम प्रकाश को पकड़ा, सभी लोग पकड़े गए। सर पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी और कितनी